सबसे पहले तो आप लोग का पार्टी कार्यालय में हार्दिक अभिनंदन। आजसू पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में संगठन विस्तार, पुनर्गठन और गठन को लेकर के युवाओं के अंदर में नए जोश और उत्साह को भरने के लिए पहले फेज में हम लोगों ने मूल संगठन का प्रखंड, जिला, अब हम लोग परमंडल वाइज सम्मेलन कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी अनुसंगी इकाई है, महिला अखिल झारखंड महिला संघ, अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ, अखिल झारखंड श्रमिक संघ, मैंने सभी अनुसंगी इकाई का भी अलग अलग डेट पे प्रदेश स्तरीय सम्मेलन, जिला स्तरीय सम्मेलन और प्रखंड स्तरीय सम्मेलन करने का डेट निर्धारित है। इसी क्रम में 16 तारीख को पूरे प्रदेश में महिलाओं का सम्मेलन आयोजित है। 15 अक्टूबर को अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रांची में आहूत है, रीता श्री बैंकेट हॉल बूटी बरियातू। इसके साथ ही साथ कुल्हान परमंडल का चांडिल में पूरे कुल्हान परमंडल के पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों का सम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह है। पार्टी पूरे राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और सशक्त करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही साथ संगठन का विस्तार और इस वर्ष क्योंकि महाधिवेशन होना है और महाधिवेशन में हम लोग 1,00,000 पदेन पदाधिकारी शिरकत करेंगे, उसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। और उसी क्रम में सभी संगठन का विस्तार और पुनर्गठन किया जा रहा है। अभी राज्य में राज्य सरकार के द्वारा अपने प्रचार प्रसार के लिए कहें, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इससे पहले भी एक फेज में चला था। जब तक निचले स्तर के यूनिट्स को, जहां भ्रष्टाचार है, जहां सुविधा शुल्क के बगैर काम नहीं होता है, उसको चुस्त दुरुस्त किए बगैर हमको नहीं लगता है कि ये जो कार्यक्रम है एक तरह से खानापूर्ति होगा, ये धरातल पे नहीं हो पाएगा। इसको गंभीरता से लेना चाहिए और राज्य सरकार को सिर्फ खानापूर्ति नहीं करना चाहिए। दादा, ईडी के रडार पर अब कैबिनेट के कई मंत्री और कई आईएएस अधिकारी भी आ गए हैं। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो एक तरह से अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत फिल्टर करता है और अगर उस तरह के दायरे में जो भी लोग आए, निश्चित तौर पर निष्पक्ष जांच उस एजेंसी के साथ फेस करना चाहिए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के जांच के दायरे में आ रहे हैं, उनके भी आरोप है कि अकूत संपत्ति उन्होंने बनाई के दिए के आरोप है। हमने पहले ही कहा कि कानून सबके लिए है, ये लोकतांत्रिक देश है, आप लोकतंत्र के तहत उसके सभी स्तंभ को सम्मान करते हैं और किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो गैर कानूनी ढंग से काम करे।